गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इसमें सेल्स लूजली स्पेस्ड होती हैं और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं। मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, डेंस या रिजिड हो सकती है। अब कनेक्टिव टिश्यू मेनली थ्री टाइप का है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू। अब हम इनकी टाइप्स करेंगे। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की फोर टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इसमें है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ मिलता है? बिटवीन द स्किन, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन बोन मैरो। एंड इट ऑल्सो फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। इस टिश्यू में क्या होता है कि फाइबर्स लूजली पैक होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं और ये इलास्टिन फाइबर्स हैं। ये मैक्रोफेजेस होती हैं और ये मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके फंक्शन डिटेल में हम हायर क्लासेस में करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। ये एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें। ये एडिपोसाइट्स हैं ये और ये पूरी बड़ी हमने दिखाई है। फैट स्टोरेज एरिया इसमें दिखाया हुआ है। न्यूक्लियस बिल्कुल पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एडिपोज टिश्यू ही कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द स्किन, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। और इसमें क्या होता है? टिश्यूज आर कवर्ड विद फैट ग्लोबुल्स। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। ये एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर का काम करता है, हमें हीट प्रोवाइड करता है। थर्ड टाइप है टेंडन्स। टेंडन्स को TM से याद रख सकते हो, ट्रेडमार्क TM की फुल फॉर्म। और यहाँ पे टेंडन्स दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ लेकिन फ्लेक्सीबिलिटी लिमिटेड होती है। लिगामेंट्स को LBW से याद रख सकते हो। लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, यानी दो बोन्स के बीच का कनेक्शन है। और ये बहुत ही इलास्टिक होता है और इसमें मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही कम होती है। अब स्केलेटल टिश्यू के टाइप्स करें तो ये दो टाइप का है मेनली, कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज में क्या होता है? सेल्स दूर दूर प्रेजेंट होती है। मैट्रिक्स सॉलिड होती है इसमें भी और इसमें। स्केलेटल टिश्यू में पूरे में सॉलिड मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स एंड शुगर्स। और ये बोन सरफेस को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? नोज, ईयर, ट्रैकिया विंड पाइप होती है एंड लैरिंग्स, जो कि ये वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस में प्रोमिनेंट होता है। इसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू बोन्स, ये स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। देखो कार्टिलेज थोड़ा ऐसे फ्लेक्सिबल है ना, लेकिन बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं, उनको मोड़ नहीं सकते हम। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बॉडी का जो शेप साइज है दैट इज ड्यू टू बोन्स। और ये क्या करता है? मसल्स भी इसके साथ अटैच होती हैं और सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। जैसे हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, इसी तरह हार्ट एंड लंग्स हैं वो रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। बोन सेल्स हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं और इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम, फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ये हेवर्सियन कैनाल सिस्टम इनमें इसकी खासियत है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और इसके ये जो प्रोजेक्शंस निकले हैं ये कैनालिकुली कहलाती है। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मेनली दो टाइप का है, लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है जबकि ब्लड रेड कलर का होता है। अब लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए ये कलरलेस है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है इसलिए ये रेड कलर का है। लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा एंड लेस अमाउंट ऑफ WBCs एंड प्लेटलेट्स। जबकि ब्लड के अंदर क्या होता है?
सब कुछ होता है इसके अंदर, प्लाज्मा, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स होते हैं इसमें। ये WBCs लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ नाम से याद रख सकते हो, लिम्फ है तो इसमें लिम्फोसाइट्स है जो WBCs की एक टाइप है। और ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और ये जो है सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इसके साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा और भी एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की, वो भी इसी के थ्रू होती है, जबकि लिम्फ के थ्रू सिर्फ फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। लिम्फ का जो सर्कुलेशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन टू वे है, बॉडी से हार्ट को जाएगा और हार्ट से वापस बॉडी को। अब हम करते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की जो सेल्स हैं हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, क्योंकि ये जो हैं जब स्टिमुलेशन इनको मिलता है ओनली देन दे कैन ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये नर्वस टिश्यू की बनी होती है। और सेल्स जो हैं नर्वस टिश्यू की उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं नर्वस सिस्टम की। ओके, इसमें थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स में। सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं, और इसके अलावा ये है एक्सन। अब सेल बॉडी क्या होती है, ये इरेगुलर शेप या पॉलीहीड्रल आप कह सकते हो इसको। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इन ग्रेन्युलर बॉडीज को मिसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इनके अंदर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये डेंड्राइट्स जो हैं शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, रिपीटेडली ब्रांच्ड होते हैं एंड प्रोट्रूड आउट ऑफ सेल बॉडी। अब डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रिसीव करते हैं और रिसीव करके साइटन की तरफ लाते हैं। ओके, अब साइटन से ये स्टिमुलस एक्सन में जाता है। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटन में, और एक्सन जो है ये लॉन्ग फाइबर, ये एक्सन कहलाता है, जो साइटन से ही, सेल बॉडी से ही अराइज करता है। इसका डिस्टल एंड जो है वो ब्रांच्ड होता है, और इसके एंड पे ये एक्सन टर्मिनल जो प्रेजेंट है इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये शेवान सेल्स, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, नाइन्थ क्लास में नहीं है, अगर कर लोगे तो कोई बुराई नहीं। थैंक यू सो मच।